मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कर्तव्यनिष्ठ और एक मजबूत चरित्र के स्वामी श्री शाहनवाज चौधरी ने भी इसी प्रकार अपना जीवन इस देश को समर्पित कर दिया है। महज 12 साल की उम्र में ही श्री शाहनवाज चौधरी के मन में अपने राष्ट्र के प्रति आस्था जागृत हो गई। 17 साल की आयु में ही वे 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाया करते थे और मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने दिल्ली के एक पिछड़े इलाके में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से की। इसके साथ साथ उन्होंने पटेल नगर पुलिस स्टेशन से सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग प्राप्त की तथा वहां के वार्डन, SHO और ACP के साथ भी सराहनापूर्ण कार्य किया। अपने कॉलेज के दिनों में श्री शाहनवाज चौधरी ने पर्यावरण सुधार के कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अपने कॉलेज के पहले वर्ष में नेचर क्लब के सदस्य रहने के बाद वे दूसरे वर्ष में रामजस कॉलेज बायोलॉजिकल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी रहे और तीसरे वर्ष में निर्विरोध बायोलॉजिकल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए। मात्र 20 वर्ष की आयु में श्री शाहनवाज चौधरी ने इंडियन एजुकेटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना तथा धर्म आधारित भेदभाव को दूर करना था। मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद चौधरी जी कई जाने माने संस्थानों में भी उच्च स्तर पर कार्यरत रहे हैं, जहां इन्होंने विद्यार्थियों की नेतृत्व क्षमता तथा अपने व्यक्तित्व को निखारने जैसे अन्य कई विषयों पर मार्गदर्शन किया है। 2006 में श्री शाहनवाज चौधरी ने इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप IPL की स्थापना की। इस अनोखे इंस्टीट्यूट के माध्यम से वे भारतवर्ष की राजनीति और राजनीतिज्ञों के स्तर में सुधार करना चाहते हैं। यदि वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं मिला, तो वो कर डालो जो आज तक नहीं किया तुमने। क्या चीज छूट गई तुम लोगों से? क्या चीज अपनी पर्सनैलिटी में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए था मुझे? मुझे क्या चीज ग्रो करनी चाहिए थी? मुझे अपने मास्टरमाइंड को ढूंढना चाहिए था, कहां, कैसे, कब, किस तरह से? क्या मैंने वो ढूंढा के नहीं ढूंढा? सीधे शब्दों में कहा जाए तो इंस्टीट्यूट का एकमात्र उद्देश्य अच्छे, समर्पित, जनता द्वारा स्वीकृत तथा आदर्श युवक युवतियों का जन प्रतिनिधि के रूप में मार्गदर्शन करना है। श्री चेतन भगत जी का इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में कहना है कि इस प्रकार असाधारण तथा साहसिक कार्य करने वाली संस्थाओं की न केवल राजनीति में परंतु हर क्षेत्र में आवश्यकता है। श्री शाहनवाज चौधरी जैसे लोग जो इस प्रकार का साहसिक कार्य करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। मार्च 2012 में भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री शशि थरूर जी ने श्री शाहनवाज चौधरी को इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप की स्थापना करने के लिए सम्मानित किया। ये सम्मान समारोह ब्रांड अकेडमी बिग रिसर्च कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त श्री शाहनवाज चौधरी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी जाकर राजनीतिक जागरूकता और करियर निर्माण जैसे अनेक विषयों पर राजनीतिक सेमिनार तथा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने जाते रहे हैं। श्री शाहनवाज चौधरी नेशनल अकेडमी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग तथा गवर्नमेंट जॉब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़े हुए हैं। वे बड़े पैमाने पर सामरिक नेतृत्व के विकास में शामिल रहे हैं और आज उन्हें रणनीति और रणनीतिक सोच पर एक प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे एक महान नेता और प्रेरक हैं। मात्र उनकी उपस्थिति ही पूरी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। उन्हें लगभग 15,000 घंटे अलग अलग स्तर पर पढ़ाने तथा 20,000 से अधिक व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने का अनुभव है। वे सभी स्तर पर राजनेताओं का मार्गदर्शन करने तथा सभी लोगों के लिए रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं। श्री शाहनवाज चौधरी जिम्मेदार नागरिक फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, एक ऐसा ट्रस्ट जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य
तथा नारी उत्थान के क्षेत्र में काम करता है। ये संस्था बेरोजगार लोगों के रोजगार के लिए भी संघर्ष करती है। उन्होंने दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों तथा राजनेताओं का मार्गदर्शन किया है तथा कई सेवाएं भी प्रदान की हैं। जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से वो अपना करियर शुरू कर सकते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस मिलेगा और किस पोस्ट पर क्या काम करने होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एमएलएज की हैं, क्या काउंसलर की हैं, क्या एमपी की हैं, वही नहीं मालूम होती लोगों को। तो बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उन्हें बेस पता चल सके, क्योंकि बहुत टफ होता है पॉलिटिशियन बनना। वो सिखाया जा रहा है पब्लिक को कि ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए कि आप उस लेवल पे काम कर सकते हैं, तभी आप आइएगा। कि यूथ को अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर पॉलिटिकल गाइडेंस नहीं है कि वो एंटर कैसे करे, क्यों ना हम उनको ट्रेनिंग दें और जो 20 साल में वो सीखते हैं वही उन्हें एक साल दो साल में सिखाकर पार्टी में प्लेस कर दिया जाए, ताकि उन्हें आगे टिकट लेने में आसानी हो और सीखने में आसानी हो। दिल्ली की कई नामी राजनीतिक हस्तियों ने इनकी सेवाओं का लाभ उठाया है। श्री शाहनवाज चौधरी को अपने अतुलनीय कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार तथा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। हर अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा, मैं वो फनकार हूं इस सदी का, पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा। अत्यंत ईमानदार, भरोसेमंद, दयालु, विनम्र और प्रेरक व्यक्तित्व के धनी श्री शाहनवाज चौधरी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य के लिए कार्यरत।